नमस्कार, JNI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। आइए देखते हैं बड़ी खबर। सिद्धार्थ नगर के विकास खंड खेसराहक से ग्राम पंचायत अकोलिहा महनुवा पूर्व प्रधान के द्वारा कार्य न करने के कारण रोड नाली की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। जहां मोदी योगी सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए ग्राम सभा को दे रहे हैं, वहीं पूर्व प्रधान के द्वारा कार्य न करने का मलाल प्रधान कासिम अली, बनारसी बालकृष्ण, बरकत अली, नाजिम अली ग्राम सभा के लोगों को है। ब्यूरो चीफ JNI न्यूज श्रीकांत पांडे, सिद्धार्थ नगर, SK बाबा। हमारा नाम हाकिम अली है। हाकिम भाई, एक बात बताओ, ब्लॉक के सामने कहीं गंदगी होती है? बहुत गंदगी है यहाँ। जहाँ शासन प्रशासन पैसे खर्चा कर रहा है, पानी की तरह उधेड़ रहा है, वहाँ पे शासन प्रशासन के जो है कामों में अवरोध और इस तरह का मजाक, ब्लॉक के सामने इस तरह की गंदगी, तो इतना गंदगी है कि यहाँ आने जाने लायक नहीं है। इतना बास मारता है जो है, यहाँ कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ तो ब्लॉक कर्मचारियों को तो रोज आना जाना होता, वो नहीं देखते काम? देखते हैं कि नहीं देखते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये इसको कहते हैं लापरवाही। लापरवाही है ही है। अपने मीडिया माध्यम से इस लापरवाही को हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को दिखाएंगे। और क्या कहेंगे मीडिया माध्यम से? दिखाइए उनको और ये कहिए कि मतलब इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या है आपका? गिरिजा शंकर शुक्ला। विकास खंड के सराहा में और गेट के सामने इस तरह से गंदगी आप देख रहे हैं, इससे जो है बीमारी फैलेगा। जहां केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए सफाई पे खर्चा कर रही है, इस विषय क्या कहेंगे सर? यहां जो है सफाई व्यवस्था जो है, सफाई कर्मी सही से काम नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जला देते तो इतनी गंदगी नहीं होती जी, जला नहीं रहे यहाँ समय से काम पे। वो भी ब्लॉक परिसर के सामने, गेट के सामने देख रहे हैं कि इस तरह से गंदगी है, और ब्लॉक के कर्मचारी अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिए, तो मीडिया माध्यम से क्या कहेंगे सर? सर जो है यहाँ सफाई कर्मी की लापरवाही जी, सफाई कर्मी की लापरवाही होना चाहिए कि नहीं? सफाई सफाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सफाई हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और हम चाहते हैं कि आपका नाम सर? गिरिजा शंकर शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। नाम क्या है सर? मेरा नाम सुहेल अहमद है जी। जी प्रधान प्रतिनिधि जी, बेलवा लोग नहीं जी, रहा जी। तो सर बड़ी गंदगी है यहाँ पे, और हमने आज जब से चुनाव हुआ है जी, तब से सफाई कर्मी की मांग किया जा रहा है जी। तमाम एप्लीकेशन ADO पंचायत को, DPRO साहब को, BDO साहब को दिया गया, लेकिन अभी तक सफाई कर्मी, यहाँ इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है लेकिन एक के अलावा अभी सफाई कर्मी नहीं है। अभी तक एक ही सफाई कर्मी तैनात है, 4200 आबादी है, जिसमें यहाँ कम से कम 4 सफाई कर्मी की ज़रूरत है। इसी नाते और इसी कारण से यहाँ की सफाई नहीं हो पा रही है, और काफ़ी दिनों से हम परेशान चल रहे हैं। मीडिया माध्यम से क्या कहेंगे? मीडिया माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अपने जिलाधिकारी महोदय को कि इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए, और बेलवा लोग नहीं विकास खंड खेसराहा में सफाई कर्मी 4 की नियुक्ति कराई जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम सर? अली अहमद। अली अहमद भैया, बताए कि ये आपके गांव का ये हालत है, रोड की हालत ये है, और कार्य कुछ भी नहीं हुआ है, पूर्व प्रधान के द्वारा नहीं हुआ कि किसके द्वारा, ये तो हम नहीं जानते नहीं, हैं सर, ये तो देखिए पूर्व प्रधान के द्वारा भी मामला हो सकता है, और ये तो PWD है जी, ठीक है जी। तो PWD से जब अनुमति मिलेगी तभी प्रधान इस पे कोई कार्य करेंगे। ये PWD है जी? जी ये PWD है, जो नवढेवा से होते हुए गांव को घेरते हुए अकोली में जाते हैं। लेकिन सर PWD दिख नहीं रही इस पे, तो दिख नहीं रही है, तो ये टूटने की वजह से इस पे खरंजा ईंटा पत्थर सब डाल के इसको थोड़ा सा दुरुस्त किया गया, ताकि आने जाने के लायक काम रास्ता हो जाए। शासन सत्ता से कितना संतुष्ट है अब? शासन सत्ता से क्या संतुष्टि, महंगाई जोरों पे चल रही है जी, है ना जी, और गरीब लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जी। दुश्वारियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब साग सब्जियां खरीदने और खाने के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं जी। रोजगार मिल नहीं रहा है, न रोजगार को कोई बढ़ावा मिल रहा है, तजारत कारोबार सब बंद पड़े हैं, लॉकडाउन की प्रक्रिया ने मारा है कि सबको ऊपर से उठाकर नीचे की सतह पे पहुंचा दिया है जी। जी यही सारे हालात। मीडिया माध्यम से अपने ग्राम सभा के बारे में क्या कहेंगे? क्या मीडिया माध्यम से अपने ग्राम सभा के बारे में? अब तो यही कहना है कि हमारे जो मौजूदा प्रधान हैं, इनके जरिया से, कासिम अली साहब जो प्रधान हुए, मुंतखब हुए, इनके जरिया से एक उम्मीद और एक रोशनी जगमगाई है, कि इस रोशनी के साथ साथ
हमारे गांव में विकास का कार्य जोरों पर चलेगा। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक उम्मीद अपने भविष्य के लिए जो हम सबकी ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश के मुताबिक हम लेकर चलने की कोशिश में हैं और वो भी इसी राह पे चलने के लिए तैयार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा ग्राम सभा यानी अकोली और महनुआ विकास की डोर पर चलेगा, उसी पर चलते हुए विकास के अच्छे कार्यों को करने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या है आपका? कासिम अली। तो प्रधान जी, आप इस गांव के कौन सी ग्राम सभा के प्रधान? अकोली ग्राम सभा के प्रधान। अकोली ग्राम सभा, तो ये सर रोड बहुत गड़बड़ है, तो इसके लिए कभी ध्यान दिया शासन प्रशासन या पूर्व प्रधान के द्वारा? ध्यान तो नहीं दिया गया था, अगर दिया गया होता तो बना होता अब तक। आपके कार्यकाल में तो कार्य हो ही रहा होगा सर, जो अभी जो बजट था वो कर रहे हैं जी। पहले बजट जो नहीं था तो भाई हम क्या कर सकते हैं। और कोई समस्या आपको? और कोई समस्या नहीं है, बस यही है कि गांव का नाली वगैरह सब सुधार हो जी, गांव की जो है गरीबों का जो समस्या है वो सुधार हो जी। और बाकी और क्या? मीडिया माध्यम से क्या संदेश देंगे लोगों को? मीडिया माध्यम से संदेश यही होना चाहिए कि भाई जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, जल्द से जल्द बजट आए गाँव में जी, और काम हो गाँव का जी, विकास हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नाम क्या है आपका? इंसान अली। सर, गाँव के रोड और नाली और इसके बारे में बताएं कि इस हालत को पूर्व में। हालात तो अभी ऐसे ही है फिलहाल, अभी कोई बजट नहीं, कुछ नहीं, काम कुछ हो नहीं पा रहा है। हम अभी प्रधान जी की बात नहीं कर रहे हैं, आगे के लिए, आगे अगर किया गया होता तो ये हालत नहीं होती। हाँ, आगे तो बस ऐसे लमसम काम हुआ है, कोई खास हुआ नहीं। इसके लिए गांव के जनता भी जिम्मेदार है सर। हाँ, तो जनता जिम्मेदार तो है। अगर जनता ने शासन प्रशासन से गुहार किया होता तो शायद कुछ कार्य और भी बढ़िया बेटर हो जाता। जनता की कौन सुनता है सर, आप ही जाने। आपकी बार जो प्रधान जी जीते हैं वो कार्य कर रहे हैं, पूरा कोशिश है कि काम होगा आपके जी। और क्या कहेंगे मीडिया माध्यम से? हर अब की बार जो है हर पूरे गांव के लोग का यही उम्मीद है कि आपकी बढ़िया से बढ़िया काम होए जी, जो तकलीफ है सब दूर हो जाए जी। बहुत बहुत थैंक यू आपको, धन्यवाद।